पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पृथ्वीराज जी, कहिए। जय भारत जी। जय भारत पृथ्वीराज जी, स्वागत है, कहिए जनाब। भारत एक हो, हमारे मोदी जी एक हो, हमारे किसान भाई एक हो, हमारी जनता एक हो, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। कहिए सर। जनाब ऐसा रहस्य आप जनता को, मोदी जी को और किसानों को बताऊंगा, जिससे 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी का किसानों का हल हो जाएगा, जनता के बीच में, जनता के लाइव पर। जल्दी बता दीजिए फिर तो सर। ये सर एक बार लाइव में मोदी जी से और मेरी जनता से और एक इससे किसानों से एक बात मेरी करवा दीजिए लाइव पर, और 10-15 मिनट का ही सारी बात होगी और उसमें हल मिल जाएगा 24 घंटे के बीच में। ऐसा अब देखिए पृथ्वीराज जी, किसानों से तो बड़ी आसानी से हम करवा देंगे, आपकी बात हो जाएगी। अब मोदी जी से आपकी बात 10-15 मिनट एकदम से एक बार, वो शायद बहुत मुश्किल है, और देश के प्रधानमंत्री हैं तो हो भी सकता है आसानी से। आप कोशिश कीजिए, जहां हमें लगेगा तो हम भी कोशिश करेंगे। बाकी आपके पास ऐसा कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे सिर्फ 15 मिनट में आप तमाम मसलों का हल कर देंगे, तो एक बार देश की जनता को भी बता दीजिए। जनता को ये वादा करता हूँ श्री कृष्ण भगवान की कसम खाकर कि ये बात, ये रहस्य बताते ही मोदी जी का भी मन नरम हो जाएगा, जनता का भी नरम हो जाएगा, और किसानों का तो नरम है ही जो अपनी मांग रख रहे हैं। ये लाइव पे बात जरूर करवाएं ताकि सारी समस्या जो है हल हो जाए। चलिए सर, अब तो इतना आसानी नहीं होता कि एकदम से प्रधानमंत्री को कोई फोन मिला और प्रधानमंत्री उठाएं कि हाँ जी बताइए, तो पृथ्वीराज जी से अब वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आप अपनाइए। देखते हैं कि किस तरह से आप पत्र लिखिए पहले प्रधानमंत्री जी को कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे सारे मसलों का हल, खासतौर से किसानों का और जो इस वक्त चल रहा है वो हो जाएगा, तो अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या होगा। और हमें उम्मीद है और शुभकामनाएं है कि आप ऐसा कर पाएं, जल्द से जल्द सारे मसलों का हल हो जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। पृथ्वीराज जी जो कह रहे थे कि उनके पास ऐसा फॉर्मूला है कि वो सिर्फ 15 मिनट बात करेंगे किसानों से और प्रधानमंत्री जी से और सब मसलों का हल हो जाएगा। और इस कार्यक्रम को या हमारे किसी भी कार्यक्रम को, और खासतौर से इस कार्यक्रम को, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट जुड़ते हैं हमारे साथ, फोन करते हैं, तो आप दोबारा से सुनना चाहें अपनी बात जो आपने रखी है कार्यक्रम में, तो आप फेसबुक पर खबरें अभी तक का पेज है हमारा, फेसबुक पर पेज है खबरें अभी तक के नाम से, इंग्लिश में आप लिखें खबरें अभी तक, KHABRAINABHITAKE। तो आप जैसे ही खबरें अभी तक लिखेंगे, खबरें अभी तक न्यूज चैनल के नाम से आपके सामने पेज आएगा, आप उस पर फॉलो करें, उसको लाइक करें, और ये आपका प्रोग्राम उसमें आपको नजर आ जाएगा, तो आप उसको आराम से अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं। जो भी आपने अपनी राय रखी है, अपने दूसरे दोस्तों के पास, अपने परिवार के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, भाई मैं भी जुड़ा था कार्यक्रम में और मैंने तो अपनी ये राय रखी थी। तो जो भी आपके जहन में है आप जुड़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा माध्यम, इसलिए कि हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सारी चीज़ें सरकारों की नज़र में होती हैं, देखती हैं, प्रशासन देखता है, लोग देखते हैं देश के, क्योंकि देश के लोगों की राय क्या है इस पर। और जो भी आपकी राय है डायरेक्ट है इसमें कोई, जो भी आप कह रहे हैं वो दुनिया सुन रही है, फोन आ रहे हैं लगातार, जिसका फोन आता है हम उसको कि भाई बताइए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेश जी हमारे साथ हैं पंचकुला से, स्वागत है आपका सुरेश जी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सुरेश जी, कहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है ये जी, क्योंकि खेल से संबंधित आदमी के नाम पर ही खेल से संबंधित अवार्ड होने चाहिए जी, तो जो भी जिससे संबंधित है उसका नाम तो उसमें आना ही चाहिए।